पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद कांट रोड स्थित गौर ग्रेसियस के रहने वाले मुकुल अग्रवाल ने अपनी मां के द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की सहायता करने वाले नागरिकों को 1,00,000 रुपए बतौर इनाम देने की घोषणा की है। मुकुल अग्रवाल का कहना है कि मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन्स अंतर्गत 2015 में एक अभियोग दर्ज कराया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा 16 अभियुक्तों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए गए। थाना सिविल लाइन्स पुलिस अब सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी में अभी तक सभी को भगौड़ा बताती रही। इसी मामले में न्यायालय ने 1 साल पहले अभियुक्तों के खिलाफ 82 CRPC के आदेश भी जारी कर दिए थे। प्रकरण की गंभीरता को नापते हुए माननीय न्यायालय द्वारा मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक पत्र जारी करते हुए तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी 7 नवंबर तक करने के सख्त आदेश दिए हैं, जिसमें एक अभियुक्त अंकित रस्तोगी जेल जा चुका है। फिलहाल इस मामले में मुकुल अग्रवाल ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की मदद करने वालों को 1,00,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। मुकुल अग्रवाल हूँ। मेरे माताजी द्वारा एक अभियोग थाना सिविल लाइन में 517/2015 पंजीकृत कराया गया था, जिसमें 17 अभियुक्त हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उनके 3 साल से गैर जमानती वारंट चल रहे हैं। 8 महीने पहले कुर्की के नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से लाजपत नगर निवासी ओम प्रकाश अग्रवाल भट्टे वाले, उनकी पत्नी लता अग्रवाल व बेटा रोटेरियन वैभव सिंगल हैं। उनकी गिरफ्तारी हेतु जो भी नागरिक पुलिस की सहायता करेगा अथवा उनके छिपे होने की स्थान की सूचना पुलिस को देगा, उसे मैं 1,00,000 रुपए का इनाम दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर 9536952310 है।